हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि हम लोग अपने बालों का और स्किन का केयर नहीं ले पा रहे हैं। हर बार पार्लर जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। आज हम देखेंगे घर पे अवेलेबल सामान से हम लोग कैसे अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, बेसिकली अ होममेड हेयर स्पा ट्रीटमेंट। एज आई ऑलवेज टेल कि मैं हमेशा पहले ट्राई करती हूँ फिर जाके आप लोगों के लिए लाती हूँ। मैं भी 3 हफ्तों के बाद ये मास्क ट्राई करने के बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो प्रोसेस मैंने बताया है उसी प्रोसेस को भी फॉलो कीजिएगा। बट रिजल्ट पाने से पहले आपको ये कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। इन लोगों के बाल बहुत फ्रीजी हैं, उनको थोड़ा और टाइम लग सकता है। इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जरूर काम आएगा। तो अभी चलिए बिना लेट किए लेट्स गो टू द वीडियो। पहले हम लेंगे एक बनाना, फिर लेंगे मेथी और फ्लैक्स सीड का जेल। इसको कैसे बनाना है आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिर लेंगे हम आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस वाटर एंड दही। 2 टेबलस्पून मिक्सचर ऑफ मेथी एंड फ्लैक्सीड जेल, मैं इसमें 3 टेबलस्पून ली हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ दही, 1/2 बनाना। बनाना को काट लें टू अवॉइड लंप। 5 to 10 drops ऑफ आलमंड ऑयल एंड सेम गोज फॉर ऑलिव ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से ही लेना। 2 टेबलस्पून ऑफ राइस वाटर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ राइस वाटर अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो मिक्सचर बहुत वाटरी हो जाएगा और लगाने में मुश्किल हो जाएगा। फिर 1 विटामिन ई कैप्सूल, फिर अच्छे से उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। और ध्यान रहे मिक्सचर में बनाना इज द ओनली सॉलिड कंटेंट, तो मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड करें टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। मैंने कंटेंट में थोड़ा सा राइस वाटर एक्स्ट्रा डाला टू मेक द पेस्ट लिटिल मोर वाटरी। आपको अगर जरूरत नहीं है तो मत कीजिएगा। मिक्सचर का कंसिस्टेंसी ज्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। पहले अपने बाल को अच्छे से कंघी कर दीजिएगा टू रिमूव हेयर टैंगलिंग। फिर इसी पेस्ट को लेके अपने पूरा स्कैल्प पे आपको ये लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ। मैं कोम के हेल्प से पार्टीशन करके सारे स्कैल्प में लगा रही हूँ ताकि कोई एक जगह छूट ना जाए और ये प्रोसेस थोड़ा लेस मेसी होता है। टू अवॉइड ड्रिपिंग डाउन, मिक्सचर को ज़्यादा वाटरी ना करें। आई रिकमेंड टू ग्राइंड द मिक्सचर प्रॉपरली सो दैट बनाना का सॉलिड पार्टिकल्स ना रह जाए टू अवॉइड क्लिंगिंग टू योर हेयर। जैसे कि आपने देखा मैं पहले अपने स्कैल्प पे लगा रही थी, अभी पूरा हेयर लेंथ पे लगा रही हूँ दोनों साइड पे। हेयर के पूरे लेंथ में लगाने के बाद आप उसको थोड़ा मसाज कीजिए जैसे आप देख रहे हैं फ्रॉम रूट टू द एंड ऑफ द हेयर, और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लीजिए ताकि हर एक हेयर को पोषण मिल सके। अभी मैंने पूरे हेयर लेंथ पे लगा लिया है और अभी मैं अपने हेयर के एंड्स में लगा रही हूँ और उसको अच्छे से मसाज कर लिया है। मिक्सचर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जो कंटेनर में लगा है आप उसको हेयर के हेल्प से आप उसको पूरा वाइप कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद आप थोड़ा हेड मसाज कर लीजिएगा। जैसे स्किन को मसाज की जरूरत होती है वैसे हेड के स्कैल्प को भी जरूरत होती है। 2 to 5 minutes आप मसाज करके फिर अपने बालों को ऐसे टाई कर देना। आप खुला रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। देन वेट फॉर 40 to 45 minutes एंड हैव अ रेगुलर हेयर। शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनिंग भी कर सकते हो। अगर कंडीशनर नहीं यूज कर रहे हो देन सेरम इज एनफ। अभी आप देख सकते हो मेरे बाल कितने स्मूथ और शाइनी बन गए हैं। ये रिजल्ट आपको कुछ ही हफ्तों में मिल जाएगा, बट आपको कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान रहे आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो पैराबिन फ्री होना चाहिए क्योंकि आपका हेयर का टेक्सचर आपके शैम्पू के टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और एनी फर्दर टिप्स एंड सजेशन प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। आज के लिए उतना ही। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।